Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fit and fine at home. As you all know, I am your maths teacher from class 2. In previous lecture, dear student, we learned stories of addition and we learned how to add two digit number, okay? हम टू डिजिट नंबर के एडिशन देखे थे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट टॉपिक. ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज लेट्स रिड्यूस बाय सब्सट्रैक्शन. एंड यू ऑल स्टडी अबाउट सब्सट्रैक्शन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. सो वी जस्ट रिकॉल हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27. लेट्स रिड्यूस बाय सब्सट्रैक्शन. ओके, यू ऑल नो द साइन ऑफ सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन की साइन कैसी होती है? ऐसी माइनस साइंस होती है. ओके, नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. ओके, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपको सब्सट्रैक्शन ईजिली समझ में आएगा. वैसे आपको हम बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, एग्जाम्पल्स से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ सी हियर एग्जाम्पल्स. शी जी हैड 5 cups. He gave 3 cups to Achal. How many cups are left with Shiji? Shiji एक लड़का है, उसके पास 5 cups है. ओके, सी आर 5 cups. 1, 2, 3, 4, 5 cups. He gave 3 cups to Achal. उसने जो 3 cups थे अपने फ्रेंड आचल को दे दिया. अब हमें पता करना है कि how many कप्स आर लेफ्ट विथ शिजी, उसके पास कितने कप्स बचे. ओके, तो सियरा हम ऐसे कट कर देंगे. जो ये 5 cup में से जो 3 cups उसने अपने फ्रेंड को दिया, हम उसे ऐसे कट कर देंगे. 1, 2, 3 लाइक दिस. ओके, नाउ सियर हाउ मेनी कप्स आर लेफ्ट? 1 and 2. सो सिंपल, 5 - 3 = 2. सियर अंडरस्टूड सब्सट्रैक्शन? आप सभी ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. ओके, नाउ सी 5 cups शिजी के पास, 3 cups उसने अपने फ्रेंड को दिए. ही गेव 3 cups टू आचल. नाउ हाउ मैनी 5 - 3 = 2. ओके, नाउ सी जो मेन टॉपिक है हमारा, अभी स्टार्ट हो रहा है सब्सट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ. अभी हमने सिंपल सब्सट्रैक्शन दिए थे कि 5 शिजी के पास कप थे, उसने 2 अपने फ्रेंड को दे दिया. बट अब हम पेयरिंग ऑफ में सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब 2 डिफरेंट थिंग्स आपके पास दिए होंगे, आपको पेयर करके उनको सब्सट्रैक्ट करने. ओके, तो सीयर आप एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. There are 8 paper lantern. Paper lanterns here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paper lantern. And 4 lamps. Lamps means diye. 4 lamps. 1, 2, 3, 4. 4 lamps are there. How many more lantern are there? The lamps. 8 paper lantern hai, 4 lamp hai. To zyada kaun hai? Paper lantern. 4 lamp kam hai. To kitne paper lantern lamps se zyada hame pata karna hai. Okay? सीयर 4 दिए हैं, 8 पेपर लैटन है, दिए कम है, लैटन ज़्यादा है, तो ये कितने ज़्यादा हमें पता करना है. तो पेयरिंग ऑफ में हमें कट करना है. कैसे? हमने कप में से 5 cup थे तो 3 cups उसने आचार को दिए, तो हमने 3 cups को कट किए थे. वैसे ही हमें कट करना है. बट हमें यहाँ 2 थिंग्स दिए हुए, तो हमें उनको ऐसे देखो, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए, उनको ऐसे कट करना है. तो 8 में से हमें क्या कितने माइनस करने होंगे? 4. 8 पेपर लैटन है, उसमें से 4 हमें माइनस करने होंगे. 1, 2, 3, 4. ओके, नाउ दिए. अब आगे हम कट क्यों नहीं कर रहे पेयरिंग ऑफ में? क्योंकि ये अकेला हो जाएगा. इसके नीचे कुछ पेयरिंग में दिया है क्या? नो, यहाँ 4 दिए थे तो हमने इनको पेयर किए. पेयर मतलब जोड़ी बना के कट किए. 2 की जोड़ी 2 की जोड़ी 2 की जोड़ी, यहाँ 2 की जोड़ी. यहाँ कोई जोड़ी है कि तो पेयर बनेंगे क्या? नो, तो फिर कट भी नहीं होगा. तो 8 में से कितने माइनस हुए? 1, 2, 3, 4. ओके, तो मतलब 4 की ही जोड़ी बनी. अब हमें देखना है कि कितने पेपर लैटन बचे हुए हैं. कितने बचे हुए हैं? काउंटेड 1, 2, 3, 4, 4. सो सिंपल, 8 - 4 = 4. ओके, सो 4 पेपर लैटन आर मोर देन लैम्प. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. देयर आर 6 slates and 11 books. सीयर स्लेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 11 books. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many is the number of slates less than the number of books? ओके, तो 11 books और 6 books. ज़्यादा कौन? 6 slates and 11 books. सो बुक्स आर मोर एंड स्लेट्स आर लेस. ओके, 11 books ज़्यादा है, स्लेट्स कम है. तो बुक्स कितनी ज़्यादा है स्लेट्स, हमें पता करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयरिंग ऑफ करेंगे. तो पेयरिंग ऑफ में जो जोड़ी बना के हम कट करते हैं. ओके, तो पहले हम इन दोनों को कट करेंगे, फिर देन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ओके, अब हम आगे क्यों कट नहीं कर रहे, क्योंकि आगे कुछ स्लेट्स है कि नो, सिक्स ही स्लेट्स थी और हमने सिक्स बुक्स से उसको पेयर बना के कट कर दी. ओके, अब इलेवन बुक्स में से सिक्स बुक पे कट है, मतलब सिक्स बुक चली गई. अब कितनी बुक्स हैं, काउंट इट, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बुक्स आर लेफ्ट. ओके, सो इलेवन बुक्स देन माइनस सिक्स स्लेट्स, इलेवन माइनस सिक्स हाउ मेनी फाइव, सो देयर आर फाइव फेवर स्लेट्स देन देयर आर बुक्स. ओके, मीन्स फाइव बुक्स ज़्यादा है स्लेट से. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड सब्सट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ. नाउ सी हियर अगेन एग्जांपल, देयर आर एट स्ट्रॉबेरीज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सिक्स प्रोमोग्रेनेट. प्रोमोग्रेनेट मीन्स अनार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. हाउ मैनी मोर स्ट्रॉबेरीज आर देयर, लेट अस सब्सट्रैक्ट टू फाइंड द आंसर. ओके, सो एट स्ट्रॉबेरीज है एंड सिक्स प्रोमोग्रेनेट्स. ओके, सो स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा है और पोमोग्रेनेट्स कम है. ओके, सो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेयरिंग ऑफ में सब्सट्रैक्ट करना है. सो वन पेयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब हम आगे कट कर सकते कि नो, क्योंकि आगे यहाँ कुछ है क्या, नो. सो एट स्ट्रॉबेरीज में से हमने सिक्स पोमोग्रेनेट को कट कर दिया, बाकी कुछ है नहीं, पोमोग्रेनेट सिक्स ही थे, तो अब हम उसे कट नहीं करेंगे. तो कितनी स्ट्रॉबेरीज लेफ्ट है, टू, वन टू. सो सी हियर, एट माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू टू, एट माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू टू. हैंस देयर आर टू मोर स्ट्रॉबेरीज देन प्रोमोग्रेनेट्स, और देयर आर टू फेवर प्रोमोग्रेनेट्स देन स्ट्रॉबेरीज. ओके, मीन्स टू स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा है पोमोग्रेनेट्स. ओके, नाउ यू आर अंडरस्टूड सब्सट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ. ओके, नाउ सी देयर, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29, फास्ट टेक आउट. ओके, नाउ सी हियर देयर आर कन्वर्सेशन, सो फर्स्ट आई रीड इट, देन आई एक्सप्लेन टू यू. ओके, कॉन्सेंट्रेट हियर. सुरेश एंड रमेश डिसाइड टू मेक दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स. दे हैड टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल्स. सुरेश हैड 9 rupees, रमेश ऑल्सो ब्राउट सम. ऑल टुगेदर दे हैड 14 rupees. हाउ मैनी रुपीज डिड रमेश ब्रिंग. सुरेश एंड रमेश दो फ्रेंड्स हैं, उन्हें दिवाली के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने, तो उनके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है. तो सुरेश के पास 9 rupees है और रमेश ने भी कुछ पैसे लेके आए, ऐसे उनके पास 14 rupees हो गए. 9 rupees सुरेश के थे, उनके पास रमेश ने कुछ पैसे लाया तो 14 rupees हो गए. तो हमें पता करना है कि रमेश ने कितने पैसे लाया, मीन्स हमें सुरेश के पास 9 थे, टोटल उनके पास 14 है, तो हम रमेश ने कितने पैसे लाया था हमें पता करना है. तो हम क्या करेंगे, 14 minus 9. तो अब इन दोनों की कॉन्वर्जेशन है. रामा टेल टू यश, सो वी मस्ट सब्सट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14. तो हमें क्या करना होगा, 9 को 14 में से सब्सट्रैक्ट करना है. तो यश ने उसे बताया कि मैंने कैसे सब्सट्रैक्ट किया. ओके, सो आई ड्रू 14 सर्कल्स एंड क्रॉस्ड आउट 9. सर्कल्स लेफ्ट आर 5, इट मीन्स दैट रमेश अबाउट 5 rupees. ओके, तो यश ने क्या किया, उसने 9 सर्कल ड्रॉ किए, उसमें से उसने जितने उसके पैसे थे उसने कट किए. उसके पैसे कितने थे रमेश के, 9. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसने अपने 9 को 14 सर्कल बनाया, उसमें से उसने 9 rupees लाए थे तो उसको कट कर दिया. अब कितने सर्कल्स बचे हुए, हाउ मेनी सर्कल्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5. सो दैट मीन्स रमेश अबाउट 5 rupees. ओके, सुरेश ने 9 rupees लाया था, टोटल उनके पास 14 rupees थे. तो अब उसके पास कितने, रमेश ने कितने लाया था, सर्कल से हमें पता चल रहा है ये मेथड से कि रमेश ने 5 लाया था. ओके, 5 rupees. नाउ अब रामा का मेथड कौन सा था, ये यश का मेथड था. अब रामा का मेथड कौन सा था, आई काउंटेड नंबर्स फॉरवर्ड फ्रॉम 9 अप टू 14. देयर वेयर 5 नंबर्स, माई आंसर इज 5 2. दोनों का आंसर 5 था, बट दोनों का काउंट करने के मेथड डिफरेंट. ओके, मेथड्स आर डिफरेंट. यश ने 14 सर्कल बनाए, 9 सर्कल पे उसने ही ड्रू 14 सर्कल्स एंड क्रॉस्ड आउट 9 सर्कल. ओके, सो सर्कल
फाइव सर्कल्स आर लेफ्ट एंड रामा का मैटर का आंसर था उसने 9 से काउंट फॉरवर्ड किए थे 14 तक, मतलब 9 के पास उसने अपने फिंगर पे 14 तक काउंट किया था, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 तक उसके पास कितने नंबर्स हुए थे, 5 नंबर्स, तो उसका आंसर भी 5 था. दैट मीन्स दोनों का मैथड डिफरेंट था बट द आंसर इज सेम. नाउ वी डिस्कस अबाउट मैथड. ओके नाउ हियर डिस्कस हुज मैथड इज द ईजियर वन, किसका मैथड ईजी है. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यश का मैथड था कि सर्कल ड्रॉ करो देन क्रॉस आउट द सर्कल, तो वो थोड़ा लेंथी था क्योंकि अगर हमें 48 में से 44 माइनस करने होंगे तो क्या हम 48 सर्कल बनाएंगे, नो. जो ये रामा का जो था मैथड वो कैसे था कि 9 से डायरेक्ट 14 तक हमें काउंट करने, तो वो तरीका थोड़ा, वो जो मैथड था वो थोड़ा इजी था. ओके सो सी हियर वी कैन यूज़ द नंबर 9 टू कैरी आउट अ सबट्रैक्शन बाय काउंटिंग इधर बैकवर्ड और फॉरवर्ड. लेट अस सी द सबट्रैक्ट 14 माइनस 9. वेट फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल व्हेन वी स्टडी अबाउट एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, यू आर रिमेंबर एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, सो दैट यू आर रिमेंबर ना एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड हमने अभी किए थे. एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड तो ये वही है ना, काउंटिंग फॉरवर्ड हमें काउंट फॉरवर्ड करना है, बैक फॉरवर्ड भी करना है बट काउंट फॉरवर्ड भी यहाँ हमें अप्लाई करना है. ओके सो सी है फर्स्ट पहले हम देखेंगे काउंट फॉरवर्ड, मतलब 9 के बाद से 14 आने तक कितने हैं, 10, 11, 12, 13, 14 कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 9 को काउंट नहीं करेंगे 9 के बाद से. ओके सो 5, सो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5. ये था फॉरवर्ड मैथड, आगे की तरफ हमने काउंट किए थे. अब क्या है बैकवर्ड, अब हमें जिसे हम कहते हैं उल्टी गिनती. ओके सो हमें बैकवर्ड करना है, मतलब 14 के बाद हमें 9 आने तक काउंट करना है. सो 13, 12, 11, 10, then 9. सो हाउ मैनी, अब हम 14 को काउंट नहीं करेंगे, अब हम 14 के बाउंड काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. सी द आंसर इज ऑल्सो सेम. ओके इन द फर्स्ट डायग्राम देयर वेयर 5 जम्प्स टूअर्ड द राइट फ्रॉम 9 to 14. ओके इन द सेकेंड 9 जम्प्स वेयर टेकन टूअर्ड द लेफ्ट फ्रॉम 14 विच स्टॉप एट 5. बोथ द मैथड गिव अस द आंसर 5. ओके इसमें हमें काउंट फॉरवर्ड किए थे, इसमें हमें बैक फॉरवर्ड किए थे, दोनों में आंसर सेम थे. द सब्सट्रैक्शन कैन बी डन बाय बोथ मैथड यूजिंग द नंबर लाइन. ओके ये हम नंबर लाइन यूज करके दोनों मैथड से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. ओके सो बट ज़्यादा ईजी कौन सा है, बैकवर्ड उल्टी गिनती करने का, क्योंकि अगर हमें फॉरवर्ड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें 49 में से वी हैव टू माइनस 2, सो वी हैव टू काउंट आफ्टर 2 फ्रॉम 49, तो हमें 2 से 49 तक काउंट करना है, 3, 4, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बैकवर्ड में कैसे डायरेक्ट हमें 49 माइनस 2 करना है ना, तो 49 के बाद से बैकवर्ड करेंगे 48, 47, तो हमारा आंसर हमें जल्दी मिल जाएगा. तो जो बैकवर्ड है वो ज़्यादा ईजी है फॉरवर्ड से. ओके नाउ वी डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी डूइंग प्रैक्टिसिंग सम अदर एग्जाम्पल्स. ओके सो यू डेट अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. ओके प्रॉपरली नाउ वी विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.